हम इस वक्त लखनऊ के खदरा इलाके में मौजूद हैं, जहां पर मदयगंज में ये जगह है जहां ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। पीएफआई से जुड़े हुए संगठनों पर आज सुबह एनआईए ने धावा बोला है। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और लखनऊ के, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के, ये मदयगंज इलाके का वो जगह है जिस घर के अंदर आप देख सकते हैं कि एनआईए की टीम अंदर मौजूद है। सुबह 5 बजे ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई थी, अभी भी चल रही है और जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि पीएफआई के मखौटा संगठन, पीएफआई क्योंकि प्रतिबंधित कर दिया गया था लिहाजा पीएफआई अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए इसी तरह के संगठनों को साथ लेकर उन्हें मखौटा संगठनों की तरह इस्तेमाल कर रहा था अपने मंसूबे, ब्रेन वॉशिंग के लिए, स्पिरिचुअल प्रीचिंग्स, दीन का नाम लेकर आतंक फैलाने के लिए, इस तरह की घटनाओं में ऐसे लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, कम उम्र के नौजवान मुस्लिम युवकों को बरगलाने के लिए, इस तरह की घटनाओं में शामिल करने के लिए। साथ ही साथ एनआईए को जब जानकारी मिली है तो बाकायदा एजेंसीज़ की मदद से उन लोकेशंस को पिन पॉइंट किया गया और वहां पर आज सुबह ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई है। आप मेरे ठीक पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, ये यूपी पुलिस के जवान आपको दिख रहे हैं पूरी तरह आर्म्ड और बड़ी तादाद में जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। बाहर एक आउटर पेरिफेरी पहले सुबह पुलिस ने बनाई और फिर एनआईए की टीम यहाँ पहुँची और छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई। फिलहाल ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है और उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और बहराइच ज़िलों का नाम सामने आ रहा है जहाँ इसी तरह की छापेमारी की कार्रवाई फिलहाल जारी है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।